स्किन को पहले जैसा या मजीद खूबसूरत कैसे किया जाए फार्मूला क्रीम्स और वाइटनिंग क्रीम्स यूज़ किए बगैर। अगर आपकी स्किन भी तबाह हो गई है ये क्रीम्स यूज़ करने की वजह से, आपकी स्किन थिन हो गई है, दाने हो गए, पिगमेंटेशन हो गए, जल गई है आपकी स्किन, तो मैं आपको बताऊंगी कैसे आप अपनी स्किन को रिकवर करें नेचुरली। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपने अपने दिमाग में बिठा लेनी है अगर आप अपनी स्किन को विद इन अ मंथ रिकवर करना चाहती हैं तो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो है उन लड़कियों के लिए जिनको गोरा होने का बहुत शौक होता है और इस चक्कर में वो अपनी स्किन को तबाह बर्बाद कर लेती हैं डिफरेंट मार्केट की वाइटनिंग क्रीम्स और फार्मूला क्रीम्स यूज़ कर करके। यही वजह है कि मैं वाइटनिंग क्रीम्स रिकमेंड नहीं करती, हालांकि मुझे डेली बेसिस पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे कमेंट सेक्शन में कि कोई वाइटनिंग क्रीम बता दे, इतना क्रेज़ होता है लड़कियों को गोरा होने का, और मैं उनको मना कर देती हूँ या जवाब नहीं देती बिकॉज मुझे पता है ये स्किन को तबाह कर देती है, स्किन की लेयर्स को जला देती है। खैर बहरहाल मैं आपको ज़्यादा डांटूंगी नहीं, आपको सिंपल से जो है ना एक चीज़ बताऊंगी जिसको आपने फॉलो करना है। चलें, आपने एक गलती की, अब हो गई है, अब बात करते हैं कि इसको ट्रीट कैसे करना है, रिकवर कैसे करना है, स्किन को पहले जैसा कैसे करना है। एक बहुत सिंपल सा DIY सीरम मैं आपको बताने वाली हूँ। ये ऐसा बेस्ट सीरम है ना, कहने को इसमें सिर्फ 2-3 चीज़ें हैं लेकिन ये आपकी स्किन को इस तरीके से ना मैजिक है, ये आपकी स्किन को ऐसे ट्रीट करेगा विद इन अ मंथ आपको विजिबल डिफरेंस नज़र आएगा। साथ ही में मैं आपको कुछ चीज़ें भी बताऊँगी जिनको आपने आज से ही अपने फेस पर लगाना छोड़ देना है ताकि आपकी स्किन जल्दी से रिकवर हो। वो चीज़ें क्या हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको सीरम की पहले रेमेडी बताती हूँ, उसके बाद मैं लास्ट में आपको बताती हूँ। प्लीज़ वीडियो कंप्लीट देखिएगा, कोई पार्ट स्किप नहीं करिएगा अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से स्किन आपकी रिकवर हो, और हर चीज़ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो चलते हैं वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले एक पैन के अंदर आपने 1.5 कप पानी ऐड करना है, जो चाय का कप होता है उसके हिसाब से ऐड करिएगा। फिर आपने इसके अंदर ऐड करना है 1 चम्मच भर के सौंफ यानी कि फेनल सीड्स 1 टेबलस्पून ऐड करें, और अब आप इसको लो फ्लेम पे इतना पकाएं कि ये जस्ट 4 से 5 चम्मच ही रह जाए। लो फ्लेम रखिएगा, तेज़ आँच मत करिएगा वरना ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा। जब ये ठंडा हो जाए और 4 to 5 टेबलस्पून रह जाए और उसका कलर इस तरीके का हो जाए तो आप इसको छान लें और छान के साइड पे कर लें। अब आप इसको मुख्तलिफ रेमेडीज़ के अंदर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इस सीरम के अंदर आपको यूज़ करना सिखाऊंगी कि सौंफ का पानी आप सीरम में कैसे यूज़ कर सकते हो और इसके कितने बेनिफिट्स हैं हमारी स्किन के लिए, स्पेशली अगर आपकी स्किन डैमेज हुई हुई हो। अब मैं यहाँ पे 2 चम्मचे भर के ऐड कर रही हूँ एलोवेरा जेल। मार्केट वाला एलोवेरा जेल आपने लेना है, ट्रांसपेरेंट हो तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज़ ग्रीन अगर हो तो चलें ग्रीन ही ऐड कर दीजिएगा। मैं छोटी ड्रॉपर वाली बॉटल के हिसाब से बना रही हूँ क्योंकि इसको आप विद इन अ वीक आपने ख़त्म करना है, हफ्ते से ज़्यादा आपने इसको स्टोर नहीं करना। इसके अंदर आपने जो है 2 टेबलस्पून फेनल सीड्स का जो ये पानी है ये ऐड करना है, बाकी जो बचे इसको आप डिफरेंट रेमेडी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको इंस्टाग्राम पे एक डिफरेंट रेमेडी में यूज़ किया था। अच्छे से मिक्स करिएगा कि एलोवेरा जो है बिल्कुल फेनल सीड्स के पानी के अंदर मिक्स हो जाए, अलग से नज़र नहीं आना चाहिए। थर्ड इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड करेंगे विटामिन ई के 3 कैप्सूल्स, ठीक है, ये इसलिए कि अभी मौसम ठंडा है, सर्दियां हैं तो स्किन को थोड़ा सा कुछ ऐसा भी ऐड करना है इसके अंदर कि हमारी स्किन ड्राई ना हो इसको लगाने से, बल्कि मॉइस्चराइज और हाइड्रेट हो जाए। और डैमेज स्किन है तो मॉइस्चराइज़र बहुत ज़रूरी है। ये इतनी छोटी बॉटल है मेरे पास तो उस हिसाब से मैंने बनाया है क्योंकि विद इन अ वीक आप जब इसको सुबह शाम यूज़ करेंगे अपने फेस के ऊपर तो ये ख़त्म हो जाएगा, हफ्ते से ज़्यादा आपने इसको स्टोर नहीं करना। ये ज़बरदस्त सा आपका फेस हाइड्रेटिंग सीरम हो चुका है रेडी। ये स्किन की डैमेज को रिपेयर करेगा, आपके बैरियर को रिपेयर करेगा जो डैमेज हो चुका है डिफरेंट क्रीम्स यूज़ करने की वजह से। फेनल सीड्स और एलोवेरा ये स्किन को हाइड्रेट करते हैं, इनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये स्किन को काम करते हैं, स्किन के बैरियर को रिपेयर करते हैं। मैं आपको फेस पे लगाना भी दिखा देती हूँ। इसको आपने थोड़ी सी गीली स्किन पे लगाना है, सूखी स्किन पे मत लगाइएगा, ठीक है। 4 से 5 कतरे आपने लगाने हैं सुबह और 4 से 5 कतरे ही आपने लगाने हैं रात में। ड्रॉपर को स्किन से टच ना किया करें, मैं टच नहीं कर रही, ऐसे ही ऊपर से लगा रही हूँ वरना जो बैक्टीरिया आपका स्किन का होगा वो सीरम के अंदर चला जाता है और फिर से ब्रेकआउट्स हो जाते हैं। हल्की सी गीली स्किन पे लगाएं सुबह भी शाम भी स्किन को क्लेंस करने के बाद, और इसको लगाने के बाद फिर आपने लगा लेना है फेस पे मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र की रेमेडी भी मेरे चैनल पर है, आप जाके देख लें। ये होममेड मॉइस्चराइज़र है, इसके अंदर केमिकल नहीं है, तो बेहतर है कि फ़िलहाल आप ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जिसके अंदर केमिकल्स या हार्श
इंग्रेडिएंट्स ना हो जो आपकी स्किन को और सेंसिटिव कर दे, इस तरीके की चीज़ों का आपने अवॉइड करना है। आंखों के नीचे भी लगाएं, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो आपका अंडर आई एरिया भी जो है वो हाइड्रेट हो जाएगा। बाकी की डिटेल्स मैं आपको आगे बताती हूँ सारी कि किस टाइम और किस स्टेप पे आपने इसको यूज़ करना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है और इसके साथ आप क्या क्या और अपने फेस पे लगा सकते हैं। आपने इसके बाद मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना है, और अगर दिन में लगा रही हैं तो सनब्लॉक कंपलसरी है। सनब्लॉक ज़रूर यूज़ करें अगर आप चाहती हैं कि आपकी डैमेज स्किन जल्दी से रिकवर हो जाए। तो आपने देखा किस तरीके से मैंने आपको सीरम बनाना सिखाया। ये बताने से पहले कि इसको यूज़ कैसे करना है और इसके फ़ायदे क्या हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ कि आपने कौन सी चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी है, अपनी लाइफ से निकाल देनी है अगर आपकी स्किन डैमेज हो गई है ये क्रीम्स यूज़ करने की वजह से। तो सबसे नंबर वन पे है ब्लीच, फेस पॉलिश या पार्लर वाले जो फेशियल्स होते हैं। पार्लर जाके, सलून जाके जो भी आप फेस पॉलिश करवाती हैं, ब्लीच करवाती हैं या फेशियल्स वगैरह लेती हैं, फ़िलहाल उसको स्टॉप कर दें, ना आप घर में कोई ब्लीच वगैरह करें अपनी स्किन पे। सेकंड पे आ गई एक्टिव इंग्रेडिएंट्स लाइक बेंजोइल पेरोक्साइड, रेटिनॉल, केमिकल एक्सफोलिएशन, इन सब को भी फिलहाल आप स्टॉप कर दें। ये चीज़ें स्टॉप करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज ये आपकी स्किन की सेंसिटिविटी को और बढ़ा देंगे। वैसे आपकी स्किन थिन हो गई है ये क्रीम्स यूज़ करने की वजह से, अब अगर आप इस तरीके की चीज़ें मजीद अपने फेस पर यूज़ करेंगे तो ये आपकी स्किन को तबाह बर्बाद कर देंगे। तो प्लीज़ इन चीज़ों को स्टॉप कर दें। अब बात कर लेते हैं कि फिर यूज़ क्या करना है। आपने सिंपल जेंटल क्लेंजर यूज़ करना है, मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है और सनब्लॉक का यूज़ करना है दिन में। रात में आपने डबल क्लेंजिंग करनी है, वापस से आपने अपनी स्किन को क्लेंस करना है, जेंटल क्लेंजर के साथ मॉइस्चराइजर लगाना है, दैट्स इट। जो सीरम मैंने आपको बताया है ये आपने फेस को क्लेंस करने के बाद हल्की सी गीली स्किन पे लगाना है, फिर मॉइस्चराइजर लगाना है, और दिन में लगा रही है तो फिर इसके बाद सनब्लॉक, मॉइस्चराइजर के बाद सनब्लॉक। इसको आपने दिन में भी यूज़ करना है और रात में भी यूज़ करना है। रात में आपने मॉइस्चराइजर से पहले यूज़ करना है, दिन में भी मॉइस्चराइजर से पहले यूज़ करना है, फिर मॉइस्चराइजर लगा के सनब्लॉक लगा लें। इसके अंदर फेनल सीड्स हैं और इसके अंदर है एलोवेरा जेल। दोनों के अंदर जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो स्किन की सेंसिटिविटी को कम करते हैं। अगर आपकी स्किन कभी कहीं से जल जाए ना, आप उसके ऊपर फ़ौरन से फ्रेश एलोवेरा जेल लें और वो लगाएं, आपकी स्किन की बर्निंग, रेडनेस फ़ौरन से रिड्यूस हो जाएगी। तो जब आप एलोवेरा को एज अ सीरम में यूज़ करके अपनी स्किन पर अप्लाई करते हैं तो जो स्किन आपकी डैमेज हो गई है, जल गई है उन क्रीम्स को, केमिकल्स को यूज़ करने की वजह से, तो उसको भी हील करेगा, फेनल सीड्स भी और एलोवेरा भी। विटामिन ई ऑयल मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि सर्दी का मौसम है तो आपकी स्किन को ड्राई नहीं होने देगा, आपकी स्किन को नॉरिश करेगा, मॉइस्चराइज करेगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, हर चीज़ समझ में आ गई होगी। कोई चीज़ अभी भी समझ में नहीं आई नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। बहुत सिंपल सी चीज़ें बस जो मैंने आपको बताया है, सो कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मिलेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।